आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं जय मसीह की कहती हूँ और मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का, परमेश्वर पिता का, परमेश्वर पुत्र का और परमेश्वर पवित्र आत्मा का कि उन्होंने हमको अब तक सही सलामत रखा और आपको भी सही सलामत रखा और हम सबको एक बार फिर से अवसर दिया है कि हम एक साथ इकट्ठे होकर उसकी आराधना कर सकते हैं, वचन बांट सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। तो इसके लिए आप सबको एक बार फिर से प्रेज द लॉर्ड और आप मेरे लिए प्रार्थना करिए कि मैं जो भी वचन बांटूं वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बांटूं। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमको चुना और हमने आपको नहीं चुना लेकिन आपने हमको चुन लिया ताकि हम आपका प्रचार इस दुनिया भर में कर सकें। प्रभु जी आप अपनी सामर्थ्य से हमें भर दीजिए और हम जो भी वचन बोलें प्रभु जी वो आपकी महिमा के लिए बोलें और हम घटे पर आप बड़े प्रभु जी और आपकी महिमा सारे संसार में हो प्रभु जी। और हम विनती करते हैं इस समय के लिए, इस सुंदर शाम के लिए और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमको जीवतों की जमीन पर आज तक सुरक्षित रखा है और हमारे साथ जितने भी लोग इस वचन को सुनते हैं प्रभु जी उन सबको आशीषित कर और प्यारे प्रभु जो अभी यहाँ पर हैं समय और जो बाद में इस वचन को सुनेंगे इस सबको अपने वचनों से और अपनी ब्लेसिंग से मालामाल कर प्रभु जी। और अब हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं और हम आनंदित होते हैं प्रभु जी कि आप अपने वचन के लिए आपने हमें तैयार किया है और इस छोटी सी विनती को हम अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मानते हैं, आमीन। तो मैं सोचती हूँ कि मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आप सबका जो पिछला सप्ताह है वो बहुत अच्छा बीता होगा और किसी भी परेशानी में एंड दुख में प्रभु ने आपको जो है अपना सहारा दिया होगा और आपको आपका विश्वास अपने आप में बढ़ाया होगा क्योंकि हमारा प्रभु महान है, वो कभी ना हमें छोड़ता है ना कभी त्यागता है और वो एक माँ के समान हमको अपने हमें तसल्ली देता है और एक बाप के समान वो हमें सुरक्षा देता है। तो आइए हम उसकी स्तुति में गीत गाएंगे जैसे कि दाऊद कहता है साम 34:3 में मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा और आओ हम मिलकर उसकी बड़ाई करें। तो मैं ये आशा रखती हूँ कि आप सब मिलकर, हम सब मिलकर उसकी स्तुति गाएंगे और उसकी बड़ाई करेंगे। गिनने के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरी शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिनने के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आए
जिंदगी के फिकर आंधियां बन के आए, जिंदगी के फिकर कौन है तेरा, खेवन हारा है भरोसा तेरा किधर, कौन है तेरा, खेवन हारा है भरोसा तेरा किधर। दिन गिन कर स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आई तुझे जो मिटाने वो शस्त्र होगा बेअसर, आई तुझे जो मिटाने वो शस्त्र होगा बेअसर, तेरा रचना करने वाला रखता है अपनी नजर, तेरा रचना करने वाला रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। कितना सुंदर गीत है कि प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ता है, परमेश्वर जिसने हमसे वायदा किया है कि वो हमें कभी ना छोड़ेगा ना त्यागेगा। और पिछली बार ही हमने उसके दानों के बारे में और उसके वरदानों के बारे में बात की थी पिछले सोमवार को, तो प्रभु के उन दानों के लिए हमें हमेशा क्या करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए हर समय और हर घड़ी, और दूसरों के सामने अपने दानों के लिए जो होली स्पिरिट ने हमें दिए हैं उसके लिए हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। और आइए हम दूसरा गीत गाते हैं। दूसरा गीत इस तरह से, When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. But while we do His good will, He abides with us still, and with all who trust and obey, trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but you trust and obey. तो जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं और जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो सारी अच्छी वस्तुएं परमेश्वर हमें देता है और वो हमें बहुत अधिक प्रेम करता है। Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but his smile quickly drives it away. Not a doubt or fear, not a sigh or tear, can abide when we trust and obey. Oh, trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but you trust and obey. How nice it is to trust and obey always the Lord who is our Father, Jesus Christ and the Holy Spirit. When we trust and obey, our life is filled with the love, with the peace and with the joy what God has promised to us. So my friends, let us always trust the Lord. Let us always obey Him.
तो आइए हम वचन में चलेंगे, और जैसे कि आज का शीर्षक है फेथ इन गॉड, प्रभु में विश्वास। क्योंकि बहुत दिनों से हमने जो है ये सोच रखा था कि एक दिन हम इस विषय पे जरूर बोलेंगे, और इस पूरे हफ्ते परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि मैं विश्वास के ऊपर जो बात करूं। जबकि मेरे सामने बहुत से टॉपिक्स आ रहे थे वीक वीक में, लेकिन आखिरकार परमेश्वर ने मेरी मदद की और उसने मुझसे कहा कि ये वाला टॉपिक इस बार आप शेयर करो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो हूँ बाइबल से कुछ वर्सेस पढ़ना चाहूँगी जो कि फेथ के बारे में है, जो कि विश्वास के बारे में है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि इब्रानियों के 11th चैप्टर में विश्वास के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो इसकी हम सारी वर्सेस नहीं पर कुछ वर्सेस पढ़ेंगे। जब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का क्या करता है, निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों को अच्छी गवाही दी गई है। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन द्वारा हुई है, पर ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से कम हो। और परमेश्वर यहाँ पर ये कहते हैं कि विश्वास ही से हारून ने क्या किया, अपनी भेंट परमेश्वर को चढ़ाई जो कि कैन की भेंट से अच्छी थी। और विश्वास से ही परमेश्वर ने हनोक को आसमान में उठा लिया, उसने हनोक ने मृत्यु को नहीं देखा। और विश्वास के द्वारा ही क्या हुआ कि अब्राहम अपने पिछले देश को छोड़ के नए देश में चला गया जहाँ परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी थी। और विश्वास के द्वारा ही सारा जो है गर्भवती हुई, जबकि वो बहुत बहुत ही बुढ़ी हो चुकी थी, उसकी उम्र करीब 99 ईयर्स ओल्ड थी, फिर भी उसने जो है गर्भ धारण किया, क्योंकि परमेश्वर का ये वायदा था कि वो अब्राहम और सारा के जरिए बहुत बड़ी कौम तैयार करेगा। और वो कौम जो है किसके बराबर होगी, जितने सैंड के जो है कण होते हैं, बालू के कण जितने होते हैं, जितने आसमान में तारे होते हैं, उतने जो है उनकी जाति का वो क्या होगा, निर्माण होगा। और वो सब जो है वो प्रभु की आशीष से होगा और उसकी महिमा के लिए होगा। फिर हम देखते हैं कि विश्वास के कारण ही जो है प्रभु यीशु मसीह को हम मानते हैं, और हम जब विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र इसलिए भेजा कि हमारे पापों की हमें क्षमा मिले और हमें उद्धार मिले, तो विश्वास के द्वारा ही हम उद्धार को प्राप्त करते हैं। तो आई होप कि आप सबको मेरी आवाज़ ठीक से सुनाई दे रही है और आप सब मुझे देख सकते हैं। Yes? आप सब मुझे सुन सकते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि मैं अपने ईयरफोन का इस्तेमाल अभी नहीं कर रही हूँ। अगर आप अच्छी तरह नहीं देख सकते और सुन सकते हैं तो मैं ईयरफोन का इस्तेमाल करूँगी। सो परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। आइए अब हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। जैसे हम हर रोज विश्वास की बात करते हैं और हम जो है विश्वास के ऊपर कई सर्मन सुनते हैं और विश्वास के ऊपर बहुत से लोग हमको बताते हैं, तो ये विश्वास होता क्या है, ये क्या ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बाइबल हमें बार बार बताती है, और जो विश्वासी लोग हैं वो बार बार विश्वास की बात करते हैं। विश्वास क्या है? विश्वास ये है कि हम प्रैक्टिकल रूप से क्या है परमेश्वर को मानते हैं और हम उस पर विश्वास करते हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर है और परमेश्वर ने ही इस सारी सृष्टि की रचना करी है, और परमेश्वर अपने वचनों में और अपने जो भी उसने हमसे प्रतिज्ञाएं की हैं वो सच हैं। ये जो है विश्वास होता है, और ये एक ग्रीक वर्ड से आता है। विश्वास जो है वो ग्रीक वर्ड से आता है जिसको कि हम पिस्तिस कहते हैं, पिस्तिस, PISTIS।
पिस्तिस। सो पिस्तिस का मतलब होता है विश्वास और टू हैव फेथ एंड टू ट्रस्ट, ये होता है मीनिंग ऑफ पिस्तिस। फेथ जो है वो सिंपली बातें करने से नहीं होता है, ये हम ना कहें कि हमें विश्वास है, हमें प्रभु पे विश्वास है, हमें यीशु मसीह पे विश्वास है, बल्कि उसको उसको एक्शन में लाने से होता है। अपने जीवन में हमें वो उसका जो है उदाहरण दिखाना पड़ता है, हमें उदाहरण बनना पड़ता है लोगों के सामने कि देखो मुझे परमेश्वर में विश्वास है और परमेश्वर ने मेरे जीवन में कितने बड़े बड़े काम किए हैं, ये होता है फिर। और इस विश्वास से हम अपना जीवन जो है वो निर्वाह करते हैं, भले ही हमारे जीवन में मुसीबतें हों और ताड़नाएं हों और गरीबी हो, फिर भी हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। कमियों के कारण हमारा विश्वास जो है वो परमेश्वर पे कम नहीं हो सकता है। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है और उसके पिता या उसकी माता उसको गोद में ले लेते हैं और वो उस बच्चे को पूरा विश्वास होता है कि मेरे माता या मेरे पिता मुझे जो है नहीं गिराएंगे, और वो बच्चा जो है अपने माँ बाप पे पूरा विश्वास करता है। और हम कई बार देखते हैं कि जो पिता है वो अपने बच्चे को ऊपर तक उछालता है, और जब बच्चे को ऊपर उछालता है फिर भी बच्चा नहीं डरता है कि हम जमीन पे गिर पड़ेंगे, क्योंकि उसको अपने पिता पे विश्वास है, वो जानता है कि मेरा पिता जो है मुझे अपनी बाहों में ले लेगा और मुझे कोई नुकसान नहीं होने देगा, और वो खिलखिलाता और हंसता हुआ जो है अपने पिता के हाथों में आ जाता है। सो ये होता है विश्वास, और हमें परमेश्वर पर इसी तरह का विश्वास रखना है कि हम भले ही जो है मुसीबत में है, परेशानियों में है, फिर भी हमारा पिता जो है वो हमारे सामने है और वो हमको बचा लेगा, वो हमको अपनी गोद में ले लेगा। और साथ में हमें ये भी जानना चाहिए कि हमारा विश्वास किस तरह से बढ़े, हम किस तरह से अपने विश्वास को बढ़ाएं, क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कि हम कहते हैं कि मुझे क्या है विश्वास की कमी है। इवन दो मैं जानता हूँ या जानती हूँ कि परमेश्वर जो है मेरे इस काम को कर सकता है, मुझे बीमारी से चंगा कर सकता है, परमेश्वर मेरी मुसीबत को हटा सकता है, फिर भी मैं कभी कभी विश्वास में विचलित हो जाती हूँ और मुझे लगता है कि नहीं, परमेश्वर मेरे साथ इस बार जो है मेरे मुसीबत को नहीं हटाएगा। तो इस तरह का अविश्वास जो है वो हमारे अंदर शत्रु के तरफ से आता है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें सदैव प्रार्थना में लगे रहना चाहिए और हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा, हे प्रभु मेरे अंदर जो कमी है, मेरे विश्वास में जो कमी है उसको बढ़ाइए। तो इस तरह से परमेश्वर जो है हमारी प्रार्थना को सुनेगा और हमारे विश्वास को बढ़ाएगा। पर साथ ही में ऐसा ना हो कि हम परमेश्वर के विश्वास को क्या करें, टेस्ट करें, हम ये न कहें कि हे परमेश्वर यदि तू है तो हमको ये दिखा वो दिखा, हमारे साथ ये कर वो कर, क्योंकि परमेश्वर को पसंद नहीं है कि हम उसको टेस्ट करें, हम उसकी परीक्षा लें, क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमारी परीक्षा ले सकता है लेकिन हम परमेश्वर की परीक्षा नहीं ले सकते हैं। ऐसी एक लड़की थी जोनी उसका नाम था, जोनी ने बहुत अच्छी एक अपने जीवन पे पुस्तक लिखी है और उसको बहुत से लोग जो है विश्वास के बारे में बताते थे, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते थे, पर उसको विश्वास नहीं होता था। वो कहती थी हे प्रभु अगर तू सच में है तो मुझे दिखा। फिर वो एक दिन जो है उसमें अपनी स्विमिंग ड्रेस में स्विम करने जाती है और जब वो तैरती होती है तो उसका सिर जो है वो पत्थर से टकरा जाता है स्विमिंग पूल में, और वो उस जगह उसको चोट लगती है कि उसके चारों हाथ पांव जो हैं वो पैरालाइज हो जाते हैं। और जब वो अस्पताल में अपने जीवन के कई साल व्यतीत कर देती है और उसके हाथ पांव ठीक नहीं होते हैं, तब उसको परमेश्वर की दया के बारे में एहसास होता है और वो समझती है कि मेरी कमज़ोरी में परमेश्वर जो है वो क्या है स्ट्रॉन्ग है। जब मैं कमज़ोर हूँ देन आई एम वीक देन द लॉर्ड इज स्ट्रॉन्ग देन गॉड इज स्ट्रॉन्ग। और वो उसी परिस्थिति में क्या करती है, परमेश्वर का प्रचार करती है, अपने मुंह से मैं ब्रश पकड़ के
वो क्या करती, बाइबल की कहानियों के चित्र बनाती है और एक दिन उसको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिलती है। तो इस तरह से जब हम परमेश्वर के विश्वास को इस तरह से मानते हैं कि परमेश्वर मुझे दिखा, तो परमेश्वर हमको बहुत कठिन रास्ते से भी ले जाके हमारे विश्वास को बढ़ा सकता है। तो हे मेरे प्रियो, हम ऐसा कभी ना कहें कि परमेश्वर यदि तू है तो मुझे ये दिखा, मुझे वो दिखा। तो ये जो है एक चैलेंज है और हम ये चैलेंज कभी ना अपनाएं, कभी परमेश्वर को हम चैलेंज ना करें, क्योंकि वो महान है, वो परमेश्वर है, उसने सबको बनाया है। और जब हम दूसरी बात है कि हम दूसरे लोगों के प्रति क्या हो, मर्सीफुल हों, दूसरे लोगों को हम जितना दे सकते हैं वो हम दें, क्योंकि जब हम दूसरों को देते हैं परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, तो हमारे अंदर क्या होता है, एक हर्ष पैदा होता है, खुशियाँ पैदा होती हैं, और हम जान सकते हैं कि ये खुशी और ये हर्ष जो है वो परमेश्वर की तरफ से है, और हम क्या है, खुशी से वो क्रोध हो जाते हैं। तो ये एक निशानी है कि हमारे देने से परमेश्वर खुश होता है। और हमें क्या होता है, दूसरों के वचनों को सुनने से, दूसरों के जो सर्मन्स को सुनने से हमारा मोटिवेशन होता है, हम जो है और भी उत्तेजित हो जाते हैं कि हम परमेश्वर का प्रचार करें। जब भी मैं दूसरों को प्रचार करते हुए सुनती थी बचपन से, तो मेरा भी मन करता था कि एक दिन मैं भी प्रचार करूं, पर इतनी ज़्यादा हिम्मत मेरे अंदर नहीं थी और ना मैं प्रभु के वचन को इतना ज़्यादा जानती थी, और अभी भी नहीं जानती हूँ कि अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रभु के बारे में जानना है। तो जब हम दूसरों को देख के इंस्पायर होते हैं अंदर से, तब भी क्या होता है कि हमारा विश्वास जो है वो बढ़ता है। जब हम इन वचनों को बांटते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है। साथ साथ में अब हमें अपने को क्या करना चाहिए, दूसरे लोगों के साथ दे देना चाहिए, जो लोग विश्वासी हैं, जो परमेश्वर को प्यार करते हैं, जो परमेश्वर के वचन को बांटते हैं, हमें उनके साथ क्या है, फेलोशिप करना चाहिए। और बाइबल में जो फेथ की डेफिनेशन क्या है, फेथ की डेफिनेशन ये है कि ये एक अश्योरेंस है। फेथ क्या है, एक अश्योरेंस है जो हमारे ऊपर प्रकट किया गया है। ये एक अश्योरेंस है कि परमेश्वर हमारे साथ है, और व्हाट इज एक्सपेक्ट्स इन फेथ विल कम टू पास। जो भी हम विश्वास में विश्वास से मांगते हैं वो हमको मिलेगा, ये एक अश्योरेंस होता है। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस होता है कि हम इतना पैसा जमा करेंगे तो हमें इससे कई गुना ज़्यादा पैसे हमको मिलेंगे, उसी तरह से ये अश्योरेंस जो गॉड में होता है, ये हमें बताता है कि जो भी हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो भी हम प्रार्थना में मांगते हैं, वो हमको ज़रूर मिलेगा। क्योंकि बाइबल भी ऐसा कहती है कि तुम विश्वास में मांगो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगो, तो तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। और परमेश्वर मिस जीसस ने कहा कि तुम जब मेरे नाम से कोई भी चीज़ मांगोगे तो परमेश्वर वो तुमको दे देगा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने और जीसस क्राइस्ट ने, पवित्र आत्मा ने हमें बहुत सारे जो हैं वो क्या दिए हैं, बहुत सारे अनुभव कराए हैं हमारी लाइफ में, कि जब हम विश्वास से जीते हैं तो हमारे साथ बहुत सारी ब्लेसिंग्स आती हैं और परमेश्वर हमको बहुत सारी आशीषों से भर देते हैं। इब्रानियों में जैसे लिखा है कि विश्वास जो है क्या, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हमने देखा कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो उनको जब उनको क्रूस पे चढ़ा दिया गया और जब उनको कब्र में गाड़ दिया गया और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही कहा था कि तुम इस मंदिर को ढा दो और मैं तीसरे दिन इसको खड़ा कर दूंगा। तो उनके चेलों ने विश्वास नहीं किया, उनके चेलों को समझ में नहीं आया कि प्रभु क्या कह रहे हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह जो है मारा गया और गाड़ा गया और जब तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तब उसके चेलों को विश्वास हुआ कि प्रभु ने वो बात क्यों कही थी।
सो बहुत सी अनदेखी चीज़ें हैं जिस पर हम विश्वास नहीं करते हैं, वो हमसे कही जाती हैं फिर भी हम विश्वास नहीं करते हैं। और प्रभु के जी उठने के बाद जब वो अपने चेलों से मिलने जाते हैं तो क्या होता है, थोमा जो उन पर विश्वास नहीं कर रहा था अपने साथियों पे, वो कह रहा था जब तक मैं अपनी उंगली उसके छेदों में, उसके हाथ के और पांव के छेदों में ना डाल के देखूँ तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा। इसीलिए थॉमस को डाउटिंग थोमा कहा जाता है, डाउटिंग थॉमस कहा जाता है। और प्रभु जब उसके सामने आए तो उसने, यीशु मसीह ने कहा कि यस थोमा आ और मेरे हाथ की के घाव में उंगली डाल के देख, छेदों में उंगली डाल के देख, मैं वही प्रभु हूँ। तो थोमा की का क्या हाल होता है, वो बहुत शर्मिंदा होता है और प्रभु के चरणों में गिर जाता है। तो इस तरह प्रियों हमें कभी भी अविश्वास को कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है कि नहीं। हमें हमेशा विश्वास करना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह जीवित प्रभु है और वो पिता के दाहिने हाथ बैठा हुआ है और वहाँ पर जो है वो हमारा न्याय करेगा। ये हमको अपने दिल में विश्वास करना है। जब तक हम जीवित हैं हमें इस बात का विश्वास करना है। और जीसस क्राइस्ट ने ऐसे बहुत सारे काम किए दुनिया में कि हमें जो है वो काम देख के और उनको पढ़ के सुन के आश्चर्य होता है। लेकिन परमेश्वर ने, प्रभु ने वो सारे काम किए। उन्होंने क्या किया, बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, उन्होंने सुसमाचार के जरिए बहुतों के जीवन को बदल दिया। और उन्होंने क्या किया कि बहुत से कोढ़ियों को चंगा किया और बहुत से लोगों को जो है खाना खिलाया। तो इस तरह से जो उनके चेलों ने उनके सारे अद्भुत कार्य देखे थे, आश्चर्यजनक कार्य देखे थे, लेकिन उसमें थे कुछ चेले ऐसे थे जिन्होंने तब भी उस पर विश्वास नहीं किया। तो हे मेरे प्रियो, ऐसा ना हो कि हम उसके चमत्कारों को देखें, अपने जीवन में हम उनको महसूस करें, अपने जीवन में हम देखें, दूसरों के जीवन में देखें और फिर भी विश्वास ना करें। ये जो हो ये पत्थर का दिल होता है और वो परमेश्वर ही है जो हमारे पत्थर के दिल को बांस के दिल में बदल सकता है। तो जब हम किसी चीज़ पे विश्वास ना करें, प्रभु की किसी आश्चर्यजनक काम पे या उसके अस्तित्व पर, तो हमें प्रार्थना करना है कि हे मेरे प्रभु, मेरे पत्थर के दिल को हटा कर मुझे मांस का हृदय दे, ताकि मैं आप पर हमेशा विश्वास करूं और दूसरों को आपके बारे में बता सकूं। और हम देखते हैं कि क्या कहीं ऐसी प्रतिज्ञा है हमारे जीवन में। हम जानते हैं कि प्रभु हमारे साथ है, हर परिस्थिति में वो हमारे साथ है, क्योंकि उसकी ये प्रतिज्ञा है। और मैं अगेन एंड अगेन ये बात कहने से नहीं पीछे हटूंगी कि बाइबल में 366 बार लिखा हुआ है कि डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। तो हमें उसकी इस प्रतिज्ञा पे विश्वास रखना है कि हर दिन के लिए उसने हमें ये प्रतिज्ञा दी है, साल के हर एक दिन के लिए ये प्रतिज्ञा प्रभु ने हमें हमसे की है। और हमको डरना नहीं है, किसी भी मुसीबत से डरना नहीं है और हमें उस पर विश्वास रखना है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है वो महान है। क्या कोई ऐसा परमेश्वर, क्या कोई ऐसा ईश्वर है या कोई ऐसी शक्ति है जो हमको उद्धार दिला सकती है? और हम देखते हैं कि कहीं भी उद्धार की जो है प्रतिज्ञा नहीं की गई है, ओनली प्रभु यीशु मसीह में ही हमें उद्धार मिलता है। क्योंकि बाइबल हमें कहती है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाएगा उसको क्या मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा। तो इस बात पर भी हमको विश्वास रखना है कि हमारा जीवन जो है अनंत है। हम इस दुनिया में मरने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम उसकी क्या करते हैं, उसकी ग्लोरी के लिए आए हैं, उसकी महिमा के लिए आए हैं। और हम जीवित हैं और हम अब भी जीवित हैं और हम तब भी जीवित रहेंगे जहाँ हमारा प्रभु
हमें रखेगा, उसने हमारे लिए घर तैयार करे हैं जहाँ पर हम रहेंगे। तो हमें ये चिंता नहीं करनी है ओ हम कब मर जाएंगे, हमारे साथ क्या क्या होगा, हम बीमार पड़ जाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि हमारा प्रभु जो है वो हमारी रक्षा करेगा। हमारा प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हमें अपने बाहों में लेगा, हमें अपने बनाए हुए घरों में रखेगा। तो ये जीवन जो है वो बहुत ही टेम्पररी है, अस्थाई है, और इस जीवन में हमको क्या करना है, उसकी महिमा करनी है। क्योंकि कभी कभी मैं भी सोचती हूँ कि जो इंसान जन्म लेता है वो एक बार जन्म लेता है और फिर एक बार उसकी मृत्यु होती है, तो इसका क्या पर्पस है, क्यों हम पैदा हुए दुनिया में, दुख उठाने के लिए? क्योंकि बार बार मेरे मन में जब तक मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण नहीं किया था तब तक यही विचार मेरे मन में आता था। और मैंने एक दिन स्वप्न में भी देखा कि जो लोग पैदा होते हैं वो मर जाते हैं और उनकी जो आत्माएं हैं वो क्या होती है, अंतरिक्ष में जो है वो घूमती रहती हैं, अंतरिक्ष में लीन हो जाती हैं। तो मैं सोचती थी कि फिर हमारे जीने का क्या पर्पस है। पर जब मैंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ा कि वो हमको अनंत जीवन देता है और हम उसको अपना लेने से कभी नहीं मरते हैं और वो हमें सदैव जो है आत्मा में खुश रखता है, कि हमारी जो मेन क्या है, आत्मा है, जो प्रभु ने अपनी श्वास फूंक कर हमें दी है और उस आत्मा को परमेश्वर हमेशा के लिए जीवित रखा है। तो मेरे प्रियो, हमें कभी जो है मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, हमें बीमारी से डरना नहीं चाहिए। इवन दो बीमारियां आती हैं जीवन में, पर हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे परमेश्वर के पास वो शक्ति है कि वो हमको पूरी से पूरी बीमारी से भी चंगाई दे सकता है। चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो दिल की बीमारी हो, चाहे वो पेट की बीमारी हो, चाहे वो दिमाग की बीमारी हो, परमेश्वर हमें हर बीमारी से मुक्ति दे सकता है। और हम देखते हैं कि ऐसा होता है, और परमेश्वर बाइबल में लिखा है कि जब एक विश्वासी जन किसी बीमार के हाथ सिर पर हाथ रखता है और प्रार्थना करता है तो वो बीमार क्या होता है, चंगा हो जाता है। तो हमें विश्वास की प्रार्थना की आवश्यकता है। और बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता है, ये जो मसीही लोग हैं ये ऐसे ढोंग करते हैं। पर आप सोचिए कि एक जो विश्वास के द्वारा जब एक अपाहिज चलने लगता है, एक अंधा देखने लगता है, एक बहरा सुनने लगता है, तो वो क्या सब ढोंग हो सकता है? ये सब अविश्वासी लोगों के विचार होते हैं जो कि उनको भरमाते हैं और जो कि दूसरे मसीही लोगों को भी भरमाना चाहते हैं। और अभी मैंने न्यूज़ में एक किस्सा ऐसे सुना कि कुछ लोग जो हैं वो टीवी पे ये कह रहे हैं कि ये मसीही लोग जो हैं वो ढोंग करते हैं, जब किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को बुखार चढ़ता है तो वो क्या करते हैं, एस्प्रिन या क्रोसिन की गोली ले आते हैं और वो उनके रिश्तेदारों से कहते हैं कि तुम अभी इसका टेम्परेचर चेक करो, अभी इसका बुखार चेक करो, तब तो बहुत ज़्यादा बुखार होता है। फिर वो कहते हैं वो गोली घुला हुआ क्या होता है, पानी होता है, जो कि उनको नहीं पता होता है कि इसमें टैबलेट पड़ी हुई है। फिर वो कहते हैं अब ये पानी जो है मैं इस पर दुआ करूँगा और तुम बच्चों को पिलाओ, बच्चा देखना ठीक हो जाएगा। और इस तरह से जो है अन्य जाति के लोग जो है कहते हैं कि ये विश्वास की प्रार्थना से नहीं होता है, बल्कि मसीही लोग जो हैं वो ढोंग करते हैं और वो आँखों में धूल झोंकते हैं। तो मेरे प्रिय, दुनिया में बहुत से लोग हैं जो मसीह के खिलाफ हैं और जो हमारे खिलाफ हैं, क्योंकि हम उसी यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, तो उससे हमें घबरा नहीं जाना है। तो इस तरह से जीसस ने बहुत सारे काम किए दुनिया में, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। तो यीशु मसीह ने जाने से पहले क्या कहा, उसने फिर एक प्रतिज्ञा दी कि मैं ये जो बड़े बड़े काम करता हूँ इससे भी बड़े बड़े काम तुम करोगे। तो हे मेरे प्रियो, हम जो है अपने अपने जो
हमारे अंदर जो सामर्थ्य है प्रभु की, उसको हम कम ना जाने बल्कि हम उसका इस्तेमाल करें। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके हम उसका इस्तेमाल करें। और आज आप देखिए कि जॉनी लीवर जो पहले फिल्म में एक कॉमेडियन था, आज वो कितने बड़े बड़े प्रचार कर रहा है और उसके उसकी दुआओं से लोग चंगे हो रहे हैं और प्रभु उसको कितनी बहुतायत से इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या हम सोच सकते हैं कि एक इंसान जो कि फिल्मों में काम करता था और जो कि सबसे प्रमुख क्या था, कॉमेडियन था, उसको परमेश्वर ने आज चुन लिया है और वो दुनिया में उसका प्रचार कर रहा है और वो लोगों को चंगाई दे रहा है प्रभु की सामर्थ्य से। तो प्रियो, हमें भी परमेश्वर जो है वो सामर्थ्य देने के लिए तैयार है। हमें सिर्फ उसके पर विश्वास करना है। और हमने देखा कि उसने बहुत सारे दान हमें दिए हैं, जैसे कि उसने हमें चंगाई कर दिलाने का दान दिया है, हमें प्रचार करने का दान दिया है, हमें टीच करने का, पढ़ाने का दान दिया है और एक दान उसमें से विश्वास भी है। हमें विश्वास करने का भी दान प्रभु ने दिया है। तो आइए उन दानों को हम ले लें। जैसे अभी अभी हमने गीत में गाया कि हम उसकी स्तुति करें इन सब दानों के लिए जो उसने हमें दिए हैं और उन दानों का हम इस्तेमाल करें। वो जो वरदान प्रभु ने हमें दिए हैं उनका इस्तेमाल हम क्या करें, दूसरों की भलाई के लिए करें, क्योंकि प्रभु हमें ये दान देता है ताकि हम दूसरों की भलाई कर सकें। तो आइए हम ये सारे दान जो प्रभु ने हमें दिए हैं वो दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करें। और विश्वास हमारा कितना होना चाहिए, हम अक्सर ये पूछते हैं कि हमारे अंदर कितना विश्वास हो कि प्रभु हमसे खुश हो, हमारे अंदर कितना विश्वास हो कि हम उसके आश्चर्यजनक कामों को कर सकें। तो बाइबल हमसे ये कहती है मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 20 में कि यदि तुम्हारा विश्वास इस सरसों के बीज के समान है तब भी तुम इस पर्वत से कहोगे कि यहाँ से हट जा और समुद्र में गिर जा, तो वो हो जाएगा। तो एक सरसों के बीज के समान भी अगर हमारा विश्वास है, प्रभु के वचन का ये मतलब नहीं है कि हमारा विश्वास एक छोटा विश्वास हो। उस सरसों के दाने का तात्पर्य ये है कि हमारा विश्वास जो है वो कंप्लीट विश्वास हो, क्योंकि वो दाना तो बहुत छोटा होता है लेकिन वो कहीं से टूटा नहीं होता है, वो कहीं से खुरचा नहीं होता है, वो पूर्णतया एक दाना होता है। तो प्रभु चाहता है कि हम पूर्ण रूप से अपनी पूरी शक्ति से हम उस पर विश्वास करें और जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो कुछ भी हम कर सकते हैं। विश्वास से हर असंभव चीज़ जो है वो संभव हो सकती है। और इस समय मैं मदर टेरेसा का एक एग्जांपल देना पसंद करूंगी, क्योंकि मदर टेरेसा वो एक ऐसी महान लेडी थी जिनको कि पुरस्कार भी मिला। और वो लेडी जो है सारे गरीब बच्चों को उन्होंने आश्रम में रखा था और बहुत से जो गरीब लोगों को उन्होंने आश्रम में रखा था और उनके पास कोई जरिया नहीं था कि जिससे कि पैसे आते। इवन तो वो इटली से आई थी, वो एक फॉरेन कंट्री से आई थी, पर उनके पास कोई भी सहायता फॉरेन कंट्री की नहीं थी और वो इंडिया में ही जो भी उनको दान मिलता था उसी से उन बच्चों का पालन पोषण करती थी। वह हर रोज़ अपने घुटने टेक के प्रार्थना करती थी कि प्रभु मुझे मेरे बच्चों के लिए खाना दे, मेरे बच्चों के लिए कपड़े दे, मेरे बच्चों के लिए रहने का अच्छा स्थान दे, मेरे बच्चों के लिए जो कमरा है उसमें पर्दे दे, क्योंकि मैंने उनकी स्टोरी पूरी पढ़ी है। उनकी एक छोटी सी किताब है एक नॉवेल के जैसे, उसको आप ज़रूर पढ़िएगा, उससे हमारा विश्वास जैसे बढ़ा है उससे आपका भी विश्वास बढ़ेगा। और एक दिन उनके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं था, बच्चे भूखे थे और मदर टेरेसा को बहुत ज़्यादा चिंता हो गई और वो घुटने टेक के उसी कमरे में गई और दरवाज़ा बंद करके वो प्रभु से प्रार्थना करने लगी। और थोड़ी देर के बाद उनका दरवाज़ा किसी ने खटखटाया और उन्होंने जब दरवाज़ा खोला तो उन्होंने देखा कि कुछ आदमी जो हैं दरवाजे के सामने खड़े हुए हैं और उनके हाथों में बड़े बड़े पैकेट्स हैं
जो कि वो मदर तेरेसा को देना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि मदर, हमारे यहाँ पार्टी थी, हमारे यहाँ बहुत बड़ा जश्न था, लेकिन बहुत सारे लोग उसमें नहीं आए और ये सारा खाना जो है वो बच गया है, और हम इसलिए आपके बच्चों के लिए खाना लेकर आए हैं। इसका मतलब है कि उस जगह पे सबको पता था कि मदर तेरेसा जो है वो बच्चों का पालन पोषण करती थी। और देखिए, प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने उनके विश्वास के अनुसार उनके बच्चों के लिए खाना दिया। इसी तरह मूडी एक प्रचारक थे, उन्होंने भी बच्चों को रखा था, उनको भी परमेश्वर बहुत ही आश्चर्यजनक बातों से उनके सारे नीड्स को पूरा करता था। और हम भी कह सकते हैं कि गॉड प्रोवाइड्स ऑल माय नीड्स। हमारे पास बहुत कुछ नहीं होता है, हम गरीब होते हैं, कई बार हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, कई बार हमारे पास बच्चों की फीस देने के लिए पैसे नहीं होते हैं, खाने के लिए पैसे नहीं होते हैं, लेकिन गॉड प्रोवाइड्स। क्योंकि जब से मैंने अपना होश संभाला है तब से परमेश्वर ने मुझे कभी भूखा नहीं सोने दिया, उसने हमेशा मुझे छत दी है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं सड़क पे जाके सोऊं और सड़क पे जाके लोगों से मांगूं। ये परमेश्वर की करुणा है, परमेश्वर की दया है कि उसने सब कुछ दिया है। और जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं कि ही इज़ माई प्रोवाइडर, देन गॉड गिव्स। और उसका एग्जाम्पल मैंने पहले भी आपको दिया था कि मेरी बेटी जो है वो कहा नोएडा में बहुत बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, और उसके एक बार ऐसा हुआ कि उसकी फ़ीस देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि उसकी फ़ीस जो थी वो कम नहीं थी, हर 6 महीने पे 75,000 मुझे देने पड़ते थे, और जबकि मेरे पति गुजर चुके थे। और उसकी फीस किस तरह से परमेश्वर इंतज़ाम करता था उसके लिए मैं उसका धन्यवाद देती हूँ। और मेरे जो मेरे पति के एक दोस्त जो डॉक्टर, वो भी डॉक्टर हैं, उनके मन में परमेश्वर ने डाला कि वो मेरी बेटी की फीस के लिए क्या करें, मदद करें। और उन्होंने हर 6 महीने पर जो है 42,000 रुपया देने का फैसला किया, और जो बाकी पैसे थे जो फीस में कम पड़ रहे थे उसके लिए अपने अपने सारे क्लासमेट्स को क्या किया, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा कि आप लोग ऐसे ऐसे डॉक्टर सैम की बेटी के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए मदद कीजिए। तो हर बार क्या होता था कि उसकी फीस भर का पैसा आ जाता था, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जो भी पैसे कम पड़ते थे वो मेरी फ्रेंड्स जो अमेरिका में रहती हैं वो भी भेज देती थी। तो परमेश्वर ने उनके दिलों में डाला कि इस लेडी को अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसों की आवश्यकता है। और इस तरह आज मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि उसने मेरी बेटी को MA तक पढ़ाया, और इतनी बड़ी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में उसकी पढ़ाई हुई, और पिछले 2 महीने से वो जॉब पर भी लग गई है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं जितना भी धन्यवाद दूँ परमेश्वर को वो कम है, क्योंकि उसने बहुत आश्चर्यजनक कामों से, दानों से हमारा पालन पोषण किया है, और मुझे भी बहुत ही गरीबी से उसने उठाकर आज इस मंजर पे पहुँचाया है। ये परमेश्वर का ही अनुग्रह है, और आज उसने मुझे चुन लिया है कि मैं परमेश्वर का जो गुणगान करूं और उसका प्रचार करूं। और अगर मैं ये प्रचार नहीं करती हूं तो मेरा जीवन क्या है, व्यर्थ है। तो इसलिए मैं अपने आप को पूर्ण रीति से परमेश्वर के हाथ में सौंपती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे भाई बहन जो यहाँ सुन रहे हैं, मेरे प्रियजन जो यहाँ सुन रहे हैं, वो सब भी जो है परमेश्वर पे, प्रभु यीशु मसीह पे, पवित्र आत्मा पे ऊँचा करें, पूर्ण रीति से विश्वास करें, और प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं आपको त्यागेगा, वो हर परिस्थिति में आपके साथ होगा। चाहे कोई भी बीमारी हो, चाहे कोई भी आवश्यकता हो, चाहे कोई भी खतरा हो, वो प्रभु हमें बचाएगा, वो हमें जो है देगा, जो जिस चीज़ की हमें आवश्यकता है वो हमें देगा। अभी हमने गीत में सुना कि तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर ना होगा सफल,
मतलब कोई भी शत्रु हमें मार नहीं सकता है जब तक वो परमेश्वर की इच्छा ना हो। और अगर परमेश्वर जो है हमें मरने के लिए भी कहता है अपने नाम के लिए, तो हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जो है वो अपनी बाहों में हमें ले लेगा। वो स्वर्ग के हम वासी हैं और हम उस स्वर्ग में ही हमेशा के लिए रहेंगे। तो हम उस अनंत जीवन की बाँट जोते रहें, हम इस टेम्प्रेरी जीवन के लिए ना सोचें, क्योंकि जो भी हम इस टेम्प्रेरी लाइफ में, इस लाइफ में जो वर्ल्डली लाइफ है उसमें हम अपने लिए जुटाते हैं, अपने लिए सोचते हैं, वो सारा क्या है, नश्वर है। वो उसमें से हम कुछ भी लेकर इस दुनिया से नहीं जाएंगे, लेकिन हमारी ज़रूरत की, हमारी आवश्यकताएं जो हैं वो प्रभु ज़रूर पूरा करेगा। जैसे कि वो चिड़ियों के लिए कहता है, लेकिन जब मैं चिड़ियों के लिए हर रोज़ दाना प्रदान करता हूँ, जब मैं फूलों को वस्त्र पहनाता हूँ, तो क्या मैं तुम्हें नहीं दूंगा? तुम तो मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान हो। तो मेरे प्रियो, हम जो मनुष्य, हम जो उसके बच्चे, हम परमेश्वर के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस हैं, हम बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान हैं। तो वो हमारी जो है, हमारी निगरानी करता है, वो हमारी ज़रूरतों को हमेशा पूरी करता है। और इसी फेथ के कारण, इसी विश्वास के कारण हमारा उद्धार हुआ है, क्योंकि जॉन 3:16 कहती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। तो मेरे प्रियो, ये नहीं कि हमें अनंत जीवन ऐसे ही मिल जाएगा, जब हम उसके वचनों पे, जब हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे कि वो मेरे लिए दुनिया में आया, मेरे लिए मरा, और हम अपने पापों से तौबा करेंगे और उसको अपने जीवन में अपनाएंगे, तभी हमको अनंत जीवन मिलेगा। तो हमें ये करना है। अगर आज तक हमने प्रभु को ग्रहण नहीं किया है, तो अभी भी वक्त है, अभी भी उसको ग्रहण कर लीजिए, ताकि आप और हम जो है हमेशा के लिए अनंत जीवन के वारिस हो सके। क्योंकि इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, ये जो दिल है वो एक घड़ी के समान चलता है, और जहाँ पर सुई रुक जाए इसकी, वो वहीं पे इंसान का अंत हो जाता है। तो मेरे प्रियो, हम ये ना सोचे कि हम बूढ़े हो जाएंगे तब प्रभु की सेवा करेंगे, तब प्रभु को अपनाएंगे, अभी तो हमको मौज मस्ती कर लेने दो, अभी तो हम जवान हैं, अभी हमको ये भी कर लेने दो, वो भी कर लेने दो, हमें पैसे कमा लेने दो, जब हम बूढ़े होंगे तब हम परमेश्वर की उसमें आएंगे, ऐसा कभी ना सोचे। क्योंकि हमारा जीवन कहाँ तक है, और हमारे दिल की धड़कन कब बंद हो जाएगी, और कब किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, किसी को नहीं पता है। सो आज का दिन जो है वो क्या है, उद्धार का दिन है। आज का दिन है कि आप और हम अपने पापों को मान लें और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ले लें। और जो ये फेथ है, ये क्या करता है, हमारी सारे दुआओं का आंसर होता है। हमारे जितनी हम दुआएं करते हैं उसका आंसर हमें मिलता है। जैसे कि हम रात में क्या करते हैं, डेली डिवोशन में हम बहुत सारी प्रार्थनाएं दूसरों के लिए करते हैं और उनका आंसर हमें मिलता है, और फिर हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है वो आंसर देने वाला परमेश्वर है, हमारे दुआओं का जवाब देने वाला परमेश्वर है, तो हम उस पर विश्वास रखें। और इस फेथ से, इस विश्वास से बहुत सारे लाभ हमें होते हैं। जैसे कि हमें क्या होता है कि हमें उद्धार मिलता है, और हमें क्या, प्रॉस्पेरिटी मिलती है, और हमको शांति मिलती है, प्यार मिलता है, और हमें क्या मिलता है कि हमेशा के लिए जो है पापों से मुक्ति मिलती है। इवन तो हमको हर रोज़ अपने पापों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, हमें प्रभु से क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि हम जो हैं कभी भी किसी भी वक्त पाप कर सकते हैं और हम जो है प्रभु से दूर हो जाते हैं। तो हमें हर रोज़ प्रभु के वचनों से और उसके लहू से और अपने दिल से माफ़ी मांग के अपने को शुद्ध रखना होता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम हमेशा शुद्ध रहें, पवित्र रहें, क्योंकि वो पवित्र है और वो अपने सिंहासन के सामने केवल पवित्र लोगों को ही रखेगा। तो हे मेरे प्रियो, हम पवित्रता की तरफ बढ़ें। और मैं ब्रदर अनुपम शबनम जी को धन्यवाद करती हूँ, आपकी ब्लेसिंग्स को मैं ले लेती हूँ कि आपने मुझे आज फिर से एक बार
ब्लेस किया है। और स्पिरिचुअल गिफ्ट्स जो हैं वो भी परमेश्वर में विश्वास करने से मिलती हैं। वो जितने भी दान हमको मिलते हैं वो उसमें विश्वास करने से ही मिलते हैं। और हमारा जो प्रचार है वो इफेक्टिव कब होता है? परमेश्वर में विश्वास करने से होता है। क्योंकि जब हम प्रचार करते हैं तो हम नहीं, पवित्र आत्मा बोलता है। और जब हमारा विश्वास ही हम में नहीं होगा तो हम क्या होंगे? एक ठनठनाता हुआ बर्तन होंगे। और हमारा जो 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 भी वचन हम बोलेंगे वो प्रभावशाली नहीं होगा। सो विश्वास के कारण हमारा वचन, हमारा बोला हुआ वचन और जो हमारी जो जो भी शेयरिंग है लोगों के साथ वो प्रभावशाली होगी और वो बहुत लोगों को पाप की दुनिया से बचा लेगी। और जो यीशु मसीह है वो कहता है कि वो सदैव एक समान है। कुछ लोग कहते हैं अरे वो पुराने ज़माने में जब प्रभु यीशु मसीह था तब ये सब चीज़ें पॉसिबल थी, आज ये सब चीज़ें नहीं है। आज तो जीवन जो है हम कैसे भी जी सकते हैं। अभी कल ही मेरी एक फ्रेंड ऐसे बात कर रही थी, लेकिन मैंने उनसे बताया कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह सदैव एक समान है। और हिब्रू की 13:8 में लिखा है कि जीसस इज द सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉर एवर। वो हमेशा के लिए एक समान है। और 1 Corinthians 14:4 में लिखा हुआ है कि बिल्ड योर सेल्फ अप मोस्ट इन द फेथ, इन द होली फेथ। अपने आप को आगे बढ़ाओ, इसी विश्वास में आगे बढ़ाओ। और प्रे ऑलवेज। अगर आपको टंग का वरदान मिला है तो टंग में आप प्रेयर करो, आप अपने दरवाजे को बंद कर लो और अपने परमेश्वर से बातें करो। क्योंकि एक बहुत ये प्राइवेट रिश्ता है कि आप टंग में बोल के परमेश्वर से बातें करें। तो उसको भी आपके आपके जीवन से खोने ना दें, बल्कि हमेशा जो परमेश्वर से बातें करें और एक लाइफ ऐसी दिए जो कि परमेश्वर की प्रशंसा करती हो, हमेशा उसकी आराधना करती हो, वैसी लाइफ हमें जीना है। परमेश्वर जो है कहते हैं कि उसका वर्ड हमेशा बोलो, हमारे मुख से उसके वचन हर बात में निकले और हमारा जीवन ऐसा हो कि उसमें लोग प्रभु को देख सकें, यीशु मसीह को देख सकें। हमारा जीवन जो है वो एक आईना हो जिसमें प्रभु को लोग देख सकें। और इसके साथ साथ हमें हमेशा याद रखना है कि प्रभु ने हमारे लिए क्या क्या किया है। और जब हम गलती करें तो हमेशा क्या करें? माफ़ी मांगें, कन्फेस करें कि यस प्रभु मुझसे ये गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर। हम बिस्तर में जाने से पहले अपने सारे अपराधों के लिए जो अनजाने अनजाने में हो गए हैं उससे माफ़ी मांगें। अब हम अंत में एक वर्ड्स के साथ समाप्त करना चाहते हैं जो कि यूहन्ना के 20:29 में लिखी हुई है। यूहन्ना 20:29, यीशु ने कहा तूने मुझे देखा है इसलिए विश्वास किया है, धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। सो धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। तो मेरे प्रियो, आप और हम जब परमेश्वर पे, जब यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो हम धन्य हैं, हम ब्लेसेड हैं। और परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में एक ब्लेसिंग बनाया है, दूसरों के लिए ब्लेसिंग बनाया है। तो हम उसका धन्यवाद करें, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का धन्यवाद करें कि उसने हमें इस संसार के लिए एक ब्लेसिंग बना के भेजा है। उसने हमें चुन लिया है ताकि हम उसके राज्य का प्रसार करें, उसके वचनों का प्रचार करें। तो मेरे प्रियो, जो भी आज हमने सुना, जो भी प्रभु ने हमसे बातें करी, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और उसके बताए हुए रास्ते पर चलते रहें। हम उस पर विश्वास करें और उसकी आज्ञा को माने। जस्ट ट्रस्ट एंड ओबे। तो आइए हम प्रार्थना करें। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी कि आपने हमसे बातें करी और आपने अपने वचनों में से हमें फिर से रिफ्रेश किया और हमें फिर से तरोताज़ा बनाया कि हम आपके वचनों
पर विश्वास करके अपनी आत्मा में और भी आगे बढ़ते चले जाएं। और आपने जो भी प्रतिज्ञाएं करी हैं हमसे, उनको हम हर समय याद रखें और हम मुसीबत के समय में वो उन प्रतिज्ञाओं पे निर्भर रहें और उन प्रतिज्ञाओं को हम याद करें प्रभु जी, जो आपने हमसे की हैं। और हम किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अवस्था में घबराएं नहीं। प्यारे प्रभु जी, हम सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस वचन को सुन रहे हैं और जिन्हों जो इस वचन को बाद में सुनेंगे। हर एक पर आपकी आशीष हो प्रभु जी, और हर एक के जो भी दुख हैं, तकलीफें हैं, उनको आप दूर कर दें। जो बीमार हैं प्रभु जी, उनको चंगाई प्रदान करें। जो आर्थिक समस्या से गुजर रहे हैं, उनकी समस्या को आप हल करें प्रभु जी। और जो भी प्रचारक और इवेंजलिस्ट और पास्टर्स जो हैं, वो किसी भी कमी से गुजर रहे हैं, उनकी कमियों को आप पूरी करें प्रभु जी। अपने भंडार से उनके भंडार को भर दें प्रभु जी। और हम विनती करते हैं प्रभु जी अपने भाई अनुपम के लिए और अपनी बहन शबनम के लिए, कि आप उनके साथ हों और उनके द्वारा आपके वचनों का प्रचार जगह जगह होता रहे। और इस आगरा मसीह मंडली के पेज के द्वारा बहुत से लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं भी सुना है, वो उसके नाम को सुन लें। और बहुत से लोग जिन्होंने अपने जीवन को अभी तक प्रभु के चरणों में नहीं रखा है, वो भी अपने जीवन को प्रभु को समर्पित कर दें प्यारे प्रभु जी। और भाई और बहन के साथ हो, उनको हर तरह की आशीष दे, उनके बच्चों को आशीष दे। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि उनकी बेटी अनुष्का, वो अच्छे नंबरों से पास हो गई है और आपने सबकी दुआओं को सुना है प्रभु जी। हम आपका लाख लाख धन्यवाद देते हैं। अब हम जब इस जगह से जाते हैं, हमारे साथ हो, हम अपने वचनों से हमें परिपूर्ण रख जब तक हम दोबारा ना मिले। और प्यारे प्रभु जी, हम इस विनती को अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस समय हमारे साथ संगति करने के लिए, प्रभु के साथ संगति करने के लिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और एक बार फिर से जय मसीह की।